मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। छठ महापर्व का केवल श्रद्धालुओं को ही नहीं बल्कि चोरों को भी इंतजार रहता है। धनबाद के कोयलांचल के बागमारा के रहने वाले 3 बीसीसीएल कर्मियों के घर चोरों ने सुबह सुबह चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 3 लाख नगद सहित 15 लाख रुपए आभूषण चोरों ने चोरी की है। आस्था के महापर्व छठ का इंतजार केवल श्रद्धालुओं को ही नहीं रहता है। जहां बिहार झारखंड में छठ की उमंग होती है, वहीं चोरी करने वाले चोर भी छठ का इंतजार करते रहते हैं। धनबाद के कोयलांचल में लोक आस्था महापर्व छठ के सुबह अर्घ देने गए छठ घाट पर जब लोग पहुंचे तो उसके बाद से भगवान भास्कर को उन्होंने अर्घ दिया और सुख समृद्धि की कामना की। लेकिन चोरों ने भी अलग ही कामना कर रखी थी। चोरों ने धनबाद के बागमारा क्षेत्र के हॉस्पिटल कॉलोनी में रहने वाले 3 बीसीसीएल कर्मियों के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने बीसीसीएल हॉस्पिटल में काम करने वाली माया कुमारी तिलवा देवी और बागमारा कौके लॉज में काम करने वाली सुनीता देवी के घर मैंने एक साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया। माया कुमारी के घर से 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 1 लाख नगद रुपए हाथ साफ किए। तिलवा देवी के घर से 9 लाख रुपए की सोने चांदी और 2 लाख रुपए नगद की चोरी कर ली चोरों ने। वहीं कॉलेज कर्मी के घर से 1 जोड़ा पायल और 10,000 रुपए नगद चोरों ने उड़ा डाला। तीनों घरों से कुल 3 लाख नगद राशि और 15 लाख के सोना चांदी के आभूषणों की चोरी की गई है। घटना की जानकारी भुक्तभोगी परिवार वालों को तब हुई जब वो सभी लोग छठ घाट से वापस अपने घर पहुंचे। घटना की जानकारी होने पर भुक्तभोगी गृहस्वामी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर बागमारा और बरोरा थाने की पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल की। वहीं भुक्तभोगी बीसीसीएल कर्मियों के अनुसार छठ घाट पे सभी लोग गए हुए थे। इसी दौरान चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। चोरों ने नगद राशि सहित सोने चांदी के जेवरातों की चोरी की है। हम लोग छठ घाट गए थे 5:30 बजे। कितने लोग यहाँ रहते हैं? हम लोग दो, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। क्या क्या चोरी हुआ? मेरा दोनों झुमका चोरी हो गया है, हार चेन 2 पायल, बच्चे लोग का बजरंगबली का लॉकेट था, चंद्रमा था। सब क्या सोना चांदी का था? हाँ। कितना का संपत्ति चोरी हुआ? 1 लाख रुपया कैश गया है और 5 लाख का जेवर। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। क्या चीज़ में? बीसीएल में। हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। तो घर में जब गए तो यहाँ और कोई नहीं था? नहीं, घर में मेरा था, मेरा भाई और मेरे दोनों भाई यहीं पे थे। सुबह 5:30 बजे यहाँ से बंद करके गए हैं घाट पर। उसी दरमियान चोरी हुआ? और कहीं चोरी हुआ है? इसी कॉलोनी में कहीं चोरी हुआ है? इस कॉलोनी में मेरे यहाँ हुआ है और 1-2 घर में हुआ है। वहाँ भी इसी तरह एक ही समय में 3 घर में चोरी हो गया। पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई थी, सूचना दे दी है। हाँ। क्या बोले? बोले हैं कि कार्रवाई करेंगे। घटना हम लोग सर 5:40 में छठ घाट की ओर निकले। जब छठ घाट की ओर से अर्घ उर्घ दे के हम लोग आए, 7 बजे के समथिंग आ रहे थे, तो ये मेरा जो दरवाज़ा जो मेन गेट है ये मेरा बंद था, और जो चोर था डकैत था जो भी हो इधर से घुसा, ये मेरा ताला तोड़ा और बाकी जितना भी सब मेरे झुमका चैन अंगूठी पायल वगैरह जितना था केस के साथ सब लेके चला गया। 8 से 9 लाख रुपये समथिंग किया। नगद कितना? नगद 2 लाख रुपये। कितना बजे की घटना है ये? 7 बजे का, उसी दरमियान में चोरी हुआ। 5:40 में हम घर से निकले हैं। किसी पे कोई शक उठा है? सर ये तो नहीं, ऐसा कुक तो ऐसा नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन आए दिन ये सब चोरी ज़्यादा हो रहा है। पुलिस प्रशासन वगैरह कुछ ध्यान नहीं दे रहा सर। आप लोग देखिए इसको गंभीरता रूप से लीजिए कि मेरे यहाँ तो हो गया,
कितना घर में यहाँ हुआ है? तीन घर में हुआ है, एक मेरे वहाँ, एक वहाँ प्रकाश के वहाँ, बड़ा बाबू को है वहाँ पे हुआ। ये आप लोग क्या मांग कर रहे हैं पुलिस से? पुलिस से हम लोग यही मांग कर प्रशासन से मांग कर रहे हैं यहाँ कि बस वहाँ जो है उसको पकड़ के बस खुलासा जल्द करें। हाँ, खुलासा जल्द करें। भी क्या ड्यूटी करते हैं? बीसीसीएल में। क्या नाम हुआ माँ का? तिलवा देवी। वहीं घर के स्वामियों ने पुलिस से यह मांग की कि चोरी करने वाले चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि उनको छठी मैया पर विश्वास है कि उनके घर से चोरी करने वाले चोर बख्शे नहीं जाएंगे। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।